हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। पहले हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है इसका मीनिंग किया, नेचर की स्कोप किया। देन आज हम करेंगे जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इसमें इंडिया की, यूके की, यूएसए की क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव सिस्टम है। तो हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ यूनाइटेड किंगडम यूके का स्टडी करते हैं। तो हम जो कहते हैं यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम स्टडी करने के बाद ही हमको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बहुत अच्छे से समझ आती है, क्योंकि हम ये कहते हैं जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है इसकी डेमोक्रेटिक लाइंस हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, जो सबसे पुरानी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, लेकिन आज के टाइम में जो सबसे वैल्यूएबल है, एक स्टूडेंट जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी कर रहा है, अगर उसने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम की स्टडी नहीं की तो उसकी बहुत सारी नॉलेज है जो अधूरी रह जाती है। इसीलिए हम ये कहते हैं यूनाइटेड किंगडम यूके की कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन है और यूके है, इनमें क्या डिफरेंस है। हम जे कहते हैं ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूके, ये क्या है, कुछ कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में आपस में जो समूह बना रखा है उनके बेस पर हम इनको ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन एंड यूके कहते हैं। जो ब्रिटेन है इसमें क्या है, इंग्लैंड प्लस वेल्स, ये टू कंट्रीज इंक्लूड होती हैं। जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो हम इसमें इंग्लैंड, वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, इन तीन कंट्रीज को इंक्लूड करते हैं। जब हम यूके की बात करते हैं, यूके में क्या आता है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्थन आयरलैंड, तो इन सबको हम ऐड करते हैं तो यूके बन जाता है। इसके साथ जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो यूके क्या हो गया, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन से भी लार्ज हो गया, इसमें सभी कंट्रीज इंक्लूड होगी। तो हम जब कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं यूके का कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम क्या है। तो पहले हम करते हैं नीड ऑफ द स्टडी ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है इसकी स्टडी की क्या जरूरत है। हम ये कह सकते हैं जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस कर रहा है वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं उन कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, यूके का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है। हम ये कहते हैं इसको ऑनर मिला है किसका, ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मीन ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। हम ये कहते हैं कि यूके में तो मोनार्की है, स्टिल ये डेमोक्रेटिक है। ये कैसे है, हम जब आगे स्टडी करते हैं इसके सेलियंट फीचर्स करेंगे तब हमें पता चलेगा इसमें क्या क्या डिफरेंस आता है। हम ये कहते हैं मोनार्की थी, जैसे मैग्ना कार्टा एक्ट है, इसमें क्या था, मैग्ना कार्टा के थ्रू जब अनलिमिटेड मोनार्की थी, मैग्ना कार्टा के थ्रू अनलिमिटेड मोनार्की को लिमिटेड मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस तरह डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, पार्लियामेंट है, इसके पास बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं। तो हम ये कहते हैं ये सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। हम इसको मदर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ऑल्दो इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अनरिटन है। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिखाई देता है, एक बुक के फॉर्म में है, हम इसको रीड कर सकते हैं, लेकिन जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज अनरिटन, फिर भी इसको स्टेटस मिला हुआ है मदर कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि हर एक कंट्री जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो यूके से ही डिराइव करती हैं। जिस सबसे पुराना और सबसे इम्पोर्टेंट जो आज तक सक्सेसफुल रहा है ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए हम इसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। हम ये कहते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, सक्सेसफुल इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, जे डेमोक्रेटिक लाइंस को, वैल्यूज को अच्छे से फॉलो करता है एंड इसके रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसको सक्सेसफुली जे क्या करता है, टैकल कर रहा है। तो ऐसा सिस्टम, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो अनरिटन है, स्टिल
टाइम के साथ सिचुएशन चेंज होने के साथ जो भी जरूरतें आती हैं, चेंज करने की जरूरत होती है, वेरी इजीली चेंज हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत इजी प्रोसेस से है, जहां पर जिसमें टाइम के साथ चेंजेस आते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जहां के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लोगों को फ्रीडम ही दी गई, यूके में लोगों को बहुत ज्यादा फ्रीडम है, उनको स्पीच की फ्रीडम है, उनके राइट्स बहुत ज्यादा दिए गए हैं जिसको कोई भी सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ये क्या है, अनरिटन है। कितना सरप्राइजिंग फैक्ट है कि यूके इतनी डेवलप कंट्री है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, लेकिन लोगों को फिर भी बहुत ज्यादा फ्रीडम मिली हुई है। हम ये कहते हैं जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है वो क्या है, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ द ब्रिटिश पीपल। ब्रिटिश पीपल डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए हम जब भी कभी कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम की स्टडी करते हैं तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो उसके बाद हम करेंगे मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन है। अनरिटन होने के साथ ये कैसे हमारे पास एग्जिस्टेंस में आता है, इसके सोर्सेस क्या है, किन किन से ये बना है, तो हम इसके करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस कहाँ है। इसका फर्स्ट सोर्स है ग्रेट चार्टर्स एंड पिटीशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट चार्टर्स, टाइम के साथ साथ ग्रेट चार्टर्स आते रहे। जब हम कहते हैं जहां पर क्या थी, एब्सोल्यूट मोनार्की थी, राजा के पास टोटली फ्रीडम थी, राजा जो चाहे वो कर सकता था। लेकिन फिर क्या होता है, मैग्ना कार्टा एक्ट आता है जो 1215 में पास किया जाता है। इसमें क्या किया गया, फर्स्ट टाइम एक किंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर दिया गया। उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि वो पार्लियामेंट के कंसेंट के बिना लोगों के ऊपर कोई भी नया टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता। जो मैग्ना कार्टा चार्टर है, हम इसको जे कहते हैं बाइबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जे सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है पिटीशन ऑफ राइट्स 1628, जे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पिटीशन ऑफ राइट्स माना जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग भी राजा के ऊपर और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी जाती हैं। उसके ऊपर ये कहा जाता है कि वो पार्लियामेंट की कंसेंट के बिना किसी से कोई गिफ्ट भी नहीं ले सकता, वो कोई टैक्स नहीं लगाएगा, गिफ्ट भी नहीं लेगा, एंड वो अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरी मैनर से किसी भी पर्सन को इम्प्रिजनमेंट नहीं कर सकता। तो हम ये कहते हैं इसके बाद जो मोनार्क है उसके ऊपर और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो जाती हैं। फिर आते हैं बिल ऑफ राइट्स 1689, इसके थ्रू हम ये कहते हैं पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा पावर्स मिल जाती हैं। इसमें क्या किया गया, जो एक किंग है, पार्लियामेंट के द्वारा जो बिल पास किए गए हैं उन बिल को वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। इस तरह क्या होता है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को पावर्स मिलती जाती हैं और जो किंग है उसकी पावर लिमिटेड होती जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे राइट्स पिटीशंस आते हैं जिसके थ्रू हम ये कहते हैं जो ब्रिटिश है उसका कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सोर्स बन चुके हैं। इसके बाद सेकेंड आता है एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के एक्ट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पार्लियामेंट है हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी बना दी जाती है। हम ये कहते हैं ये क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी है जो क्या करती है, टाइम के साथ साथ जो भी हमारी वेरियस नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग जी अपने लोग को इनेक्ट करती है, बनाती है। जब कोई सिचुएशन चेंज होगी, सर्कमस्टेंसेस नहीं आती है, हमारी जरूरतें चेंज होती है, तो पार्लियामेंट बहुत ज्यादा एक्ट बनाती है जिसके अकॉर्डिंग वो भी क्या बन गए, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाते हैं। जो यूके है इसमें क्या है, एक इंटरेस्टिंग थिंग कि जहां पर ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन जहां पर सभी के सभी लॉ सेम होते हैं, चाहे ऑर्डिनरी लॉ हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जहां पर बहुत ज्यादा रिफॉर्म किए गए पार्लियामेंट के थ्रू, जैसे 1832, 61, 84, 1918, 1928, जिसके थ्रू यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का राइट दिया गया, जिसके बाद हर एक पर्सन को वोट देने का राइट था। तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस क्या हो गए, इंक्रीज होते जाते हैं। देन थर्ड आता है जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
क्योंकि जुडिशियल डिसीजन क्या होते हैं, दे आर द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ गिवन बाय जुडिशियरी, जिसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि जो भी जुडिशियरी है, जुडिशियरी जो कुछ भी इंटरप्रेट करती है उसको क्या कहते हैं, जुडिशियल डिसीजन कहते हैं। जैसे हमारे देश में क्या है, हम जो जुडिशियल डिसीजन आते हैं इनको रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन यूके में ये प्रोविजन नहीं है कि जो भी जुडिशियल डिसीजन उनको रिव्यू किया जाएगा, लेकिन इनके द्वारा इंटरप्रिटेशन फ्लो गिवन बाय जुडिशरी इसको एज सच एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो हम ये कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इम्प्लाइज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो जुडिशियल डिसीजन के थ्रू आए हैं। जुडिशरी क्या कह रही है कि पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सुपरमेसी होनी चाहिए, जिसको एज सच मान लिया गया है, कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट इम्प्लाइज के ऊपर, ये भी मान लिया गया है। इस तरह ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स बन चुके हैं। नेक्स्ट है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ क्या होते हैं, जो लॉ सदियों से चलते आ रहे हैं, जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, हम उसको कॉमन लॉ कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन चुके हैं यूके के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम का। कॉमन लॉ हम ये कहते हैं जो यूजेस के ऊपर बेस्ड है, जिसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है और जिस सेंचुरी से बहुत सालों से सदियों से चलते आ रहे हैं, हम ये कहते हैं यूके के लोगों को फ्रीडम मिली है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये क्या है, कॉमन लॉ है, उनको कोई आर्बिट्रेरी मैनर से इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता, ये क्या है, कॉमन लॉ है, जो वहां के सदियों से चलते आने की वजह से ये एक लॉ बन चुके हैं। तो हम ये कहते हैं इसके यूजेस है, इम्पोर्टेंस है, इसीलिए ये लॉ एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये कहते हैं जो यूके के लोग हैं वो कन्वेंशंस को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। कन्वेंशंस होती क्या है, एक तरह से ट्रेडिशंस चली आ रही हैं, जो ट्रेडिशन चलती आ रही है वहां के लोग उन ट्रेडिशंस को मान रहे हैं, वो ही ट्रेडिशन क्या बन गई है, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सोर्स बन चुकी है। तो वो भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूके के जो कन्वेंशंस हैं वो पार्लियामेंट के रिगार्डिंग, किंग के रिगार्डिंग, इन सब के रिगार्डिंग बहुत सारी हैं, जिसको सभी लोग मान रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली ग्रो की हैं एंड इनकी बहुत अच्छी यूटिलिटी है, इसीलिए हम इनको मानते हैं। एंड लास्ट वन इज व्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उनके व्यू भी इम्पोर्टेंट है। हम जैसे कहते हैं बहुत सारे राइटर्स हैं, उन्होंने अपनी बुक्स दी हैं, अपने व्यूज दिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं, कमेंट्रीज लिखी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं डिक्सी, डिक्स के लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। बैगोट का इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन बुक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स हैं, उनके व्यूज हैं, बुक्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट सोर्स बन चुकी हैं। तो आज हमने इस सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम की जो यूके का है वो कैसे हमारे सामने आता है, इसके सोर्सेस कैसे हैं, हमने चेक किया। नेक्स्ट सेशन हम करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। होप्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।